हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल असलम इलेक्ट्रीशियन। मैं आज आपको दिखाऊंगा एक सॉकेट और एक स्विच का कनेक्शन कैसे कैसे होता है। तो मैंने एक 3 मॉड्यूलर का बोर्ड लिया है, एक स्विच लिया है और एक सॉकेट लिया है। तो चलिए पहले सॉकेट को हम लगा लेते हैं। अब स्विच को लगा लेते हैं। ये स्विच और ये सॉकेट। तो चलिए अब इसका हम वायरिंग करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा वायर लिया है। सॉकेट के जो लाइन वाला जो टर्मिनल है, उस पे लगाएंगे। और दूसरे टर्मिनल को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। ये लाइन, ये स्विच का लाइन हो गया सॉकेट के साथ। अब हम मेन लाइन को लगाएंगे। ये मैंने एक 2 कोर वायर लिया है। ये जो ब्लैक वाला है वो जाएगा सॉकेट के जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे। और रेड जो स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है उस पे जाएगा। तो ये हमारा स्विच का मेन लाइन हो गया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो तो फ्रेंड्स, चलिए इस वायर के अब दूसरे एंड पे हम ये टॉप को लगा लेते हैं। तो ये जो लाल वाला वायर है वो टॉप के दाईं तरफ जाएगा। और ये जो ब्लैक वाला वायर है वो सॉकेट की बाईं तरफ जाएगा। तो चलिए अब इस एक्सटेंशन बोर्ड को हम चेक करते हैं। ये एक मैंने होल्डर और मैंने एक होल्डर और बल्ब लिया है। तो चलिए अब हम इस बोर्ड को चेक करते हैं। ये जो 2 पिन टॉप है इसको हम इस सॉकेट के अंदर डाल देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा बोर्ड रेडी हो गया। ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।